जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मैच के बाद इंडिया टीम के फाइनल प्लेइंग 11 आई, 9 नाम पक्के तो 2 पर लड़ाई। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 का 8वां मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा। दोस्तों बता दें, इसी के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11, फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। बताइए दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच खेला गया मैच में बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी भारतीय टीम। बताइए दोस्तों, इसी के जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हैं। देख सकते हैं दोस्तों, टीम इंडिया की शानदार प्लेइंग 11 जो संभावित हैं 8वें मैच के लिए वर्ल्ड कप का। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। दोस्तों कुछ 11 प्लेयर का ये टीम बहुत ही शानदार होने जा रहा है। दोस्तों बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। रोहित शर्मा जो 19 गेंद पर 23 रन बनाए थे, जिसमें एक छक्का और दो चौका की मदद से 23 रन बना पाए थे। बात करें ऋषभ पंत की, बात करें यशस्वी जायसवाल जो इसमें खेल नहीं पाए थे, शायद खिलाया नहीं थे। बात करें विराट कोहली जो टीम में शामिल नहीं था, इसी कारण नहीं खेल पाए थे। बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव 18 गेंद पर 31 रन बनाए थे, 4 चौका लगाकर। बताए दोस्तों ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत 32 गेंद पर 53 रन, 4 चौका और 4 छक्का की मदद से 53 रन की शानदार पारी खेली थी। दोस्तों तो प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत जरूर रहेंगे। बात करें रविंद्र जडेजा की बात करें तो 6 गेंद पर 4 रन बनाए थे। दोस्तों कुछ खास नहीं किए थे, बाकी टीम में शामिल हो सकते हैं। बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं किया था, 2 ओवर देकर 11 रन दिए थे। बता दें शिवम दुबे 16 गेंद पर 14 रन बनाए थे और कैच आउट हो गए थे। बात करें जिसमें एक छक्का लगाए थे। बात करें बॉलिंग की, शिवम दुबे की शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि 2 विकेट लिए थे, 3 ओवर देकर 13 रन और 2 विकेट लिए थे। बात करें हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की, तो बात करें तो बॉलिंग में 3 ओवर देकर 30 रन और 1 विकेट लिए थे। बात करें बैटर की, तो हार्दिक पांड्या 23 गेंद पर 40 रन, जिसमें 4 छक्का और 2 छक्के की मदद से 40 रन नाबाद पारी खेली थी। दोस्तों आप बता दें, जसप्रीत बुमराह जो 1 विकेट लिए थे, अर्शदीप सिंह जो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला इस मैच में। बता दें दोस्तों, अर्शदीप सिंह 3 ओवर देकर 12 रन और 2 विकेट लिए थे। बात करें मोहम्मद सिराज जो 3 ओवर देकर 17 रन और 1 विकेट लिए थे। दोस्तों तो इस प्रकार से हो सकता है आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।